पढ़ाने का जो टाइमिंग है सबसे ज़्यादा है 30 दिन है, हम 15-20 दिन नहीं पढ़ाते। बहुत से लोग 15-20 दिन पढ़ाते हैं, 20 दिन पढ़ाते हैं, ऐसे 15 दिन रखते हैं, उसके बाद में भेज देते हैं। हो सकता है ये आपसे बोलते हो कि भाई अब जैसा है आपकी मर्जी, जाना है रुको, नहीं रुकना है रुको। मतलब कंसेप्ट उनको उनका बुलाने का 20-25 दिन होता है, पर वो अपना 10-15 दिन में ही ऐसा दिखाते हैं कि कोर्स पूरा हो गया है, अब भाई आप देख लो। ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ पूरा एक एक दिन का शेड्यूल है और हम बिल्कुल आपको भेजेंगे नहीं, और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े शेड्यूल को मानना पड़ेगा। आप ये ईमानदारी से रखो कि 18 दिन का तो हमारा सिर्फ हार्डवेयर है, सिर्फ 18 दिन का हार्डवेयर है, तो आप सोचो कितने क्रीम लेवल से सीख के जाओगे आप हार्डवेयर। क्यों आप इतनी जल्दबाजी के कोर्स के चक्कर में कि 10 दिन में ही आप सीख लो और अपना पूरा पैसा 30-40 हज़ार रुपये डुबा दो, क्यों आप ये सोचते हो कि, और एक ऐसे जूनियर या फिर इस तरीके से जो अनएक्सपीरियंस है या फिर जो अभी मार्केट में नया नया आया उसके पास जाके अपना भाग्य क्यों आजमाना चाह रहे हो। एक एसर टेलीकॉम आओ और अपने भाग्य को सॉलिड चांद सितारे लगाओ। देखो दोस्तों, 4 दिन में CPU लगवाऊंगा, 3 दिन में पावर लगवाऊंगा, गारंटी के साथ। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब बोडू, बेसिकली एक बोर्ड टूट जाने, खराब हो जाने या डैमेज हो जाने के बाद उसको चेंज करना। दोस्तों एंड्रॉयड फोन में स्वैपिंग के लिए आपको 2 इम्पोर्टेंट ICO का सही होना बहुत जरूरी है, CPU MMC, इसका आपको सही होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप डुअल डेकर, ये सिंगल है, अगर आप डुअल डेकर की बात करेंगे तो भी CPU MMC UFS इसका सही होना जरूरी है। आप चाहें अगर RAM अलग है तो उसको चेंज कर सकते हैं, बट आप स्वैपिंग की बात कर रहे हैं तो आपको, क्योंकि आपका जो स्टोरेज और डाटा होता है वो ये होता है जिसको हम ROM और RAM कहते हैं। बेसिकली RAM अलग भी लगा हो सकता है, जैसे मैंने UFS 153 अगर लगा है तो, और ROM है, इसके अंदर ही आपका डाटा होता है कस्टमर का, और इसी के अंदर आपकी सिक्योरिटी होती है जिसके अंदर आपका IMEI या हम बात करें बेसबैंड ये होता है। तो ये अभी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और क्योंकि हम CPU चेंज नहीं, अगर आप CPU चेंज करेंगे तो आपका सेट लोगो रीस्टार्ट पे आ जाएगा, क्योंकि फिर आपको MMC को अपडेट करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन फाइल के साथ। और अगर आप MMC को चेंज करेंगे तो भाई चेंज, आप इसके डाटा को कॉपी नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि MMC के हम यूजर एरिया डाटा को कॉपी करके किसी दूसरे MMC में डाल दें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंक्रप्टेड होते हैं, और इसको हम अगर हम बात करें एक कॉपी करके दूसरे में नहीं डाल सकते हैं। आप ये नहीं सोचिए कि MMC का एक पूरा डाटा कॉपी कर लो कैसे भी करके, किसी भी टूल से उसके दूसरे MMC में डाल दो तो आपको सेम आपको कस्टमर का डाटा मिल जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो स्वैपिंग में एंड्रॉयड में आपने देखा CPU और MMC पर ही गेम होता है पूरा, बस ये तो IC सही होनी चाहिए। अगर ये सही नहीं है तो आप कस्टमर का डाटा दे नहीं पाएंगे। माय YouTube फैमिली, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों मेरे पास एक Redmi 8A है, वो बहुत ही ठंडी हालत में है, आप देख सकते हैं इसकी हालत बहुत ख़राब है यार, कसम से। और ऐसे फ़ोन पे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने कस्टमर ने कहा है कि डाटा सेव करना है, तो डाटा सेव कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि कस्टमर का डाटा सेव करके दे दें। आप देखिए PMI निकला हुआ है, कंपोनेंट निकले हुए हैं, ठीक है, और ये ना नेटवर्क के में काम करने वाले लोगों ने किया हुआ है। पावर भी फिर हालांकि सब मैंने चेक किया निकाल के, बट पावर मैंने निकाला है, और ये देखो नेटवर्क पे पूरा बहुत गंदा काम हुआ है, और बोर्ड को फुला दिए, बोर्ड टेम्पर किए हैं, तो इस कंडीशन में तो भाई डाटा ही हमारा, हम स्वैपिंग बोल सकते हैं, तो हम इसको स्वैपिंग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्योंकि कस्टमर कह रहा है कि डाटा चाहिए, और तो स्वैपिंग में हम क्या करेंगे, हम इसका, अब देखिए क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है HDM, तो इसका हम CPU और इसका MMC दोनों निकाल के एक फ्रेश बोर्ड में लगाएंगे और कस्टमर को डाटा देने की कोशिश करेंगे। तो
हमने सीपीयू और एमएमसी को दोनों को निकाल दिया है, अब इसको दोनों को क्लीन करके रिबॉल करके रख लेते हैं और एक फ्रेश बोर्ड को चेक करते हैं। हमारे बहुत सारे बोर्ड है हमारे पास, तो उसमें से फ्रेश बोर्ड निकालेंगे और उसके वोल्टेज चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा काम सक्सेस हुआ कि नहीं। और हमें तो कस्टमर को डाटा देना है।
What we do here is go back, 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 back. एमएमसी और हमारा सीपीयू दोनों को निकाल के रिबॉल कर लिया है और ये हमारा तैयार है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सीपीयू और एमएमसी हमने निकाल के दोनों ब्लैक पेस्टेड थे, दोनों निकाल के हमने तैयार कर लिया है। अब हम एक आपके सामने बोर्ड दिखाएंगे और बोर्ड को बताएंगे कि किस तरह से बोर्ड को चेक करें कि ये बोर्ड हमारा ओके है या नहीं है, और फिर हम बोर्ड में हम पहले सीपीयू लगाएंगे और फिर हम एमएमसी लगाएंगे। दोस्तों सेकेंड स्टेप में आ गए हैं, आप देख सकते हैं ये मेरा वो बोर्ड है जिसमें स्वैपिंग करना है और हमने इसका सीपीयू एमएमसी निकाल लिया है। ठीक है, हमने इसका सीपीयू एमएमसी निकाल लिया है। तो दोस्तों हम आ गए हैं सेकेंड स्टेप में, ये वो बोर्ड है जिधर हमें स्वैपिंग करना है और इसका हमने सीपीयू एमएमसी पूरी तरीके से निकाल लिया है और उसमें कुछ भी नहीं है। और ये है हमारा फ्रेश बोर्ड जो हमने अभी तैयार किया है, आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रेश बोर्ड है जो हमने अभी तैयार किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं नेटवर्क का केन नहीं उतरा है, बहुत केन लगभग सारे नहीं उतरे हैं। बस ये था कि इस पर मेन पावर इसका वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने पावर ऐसी चेंज की है इसकी, तो पहले इसके फॉल्ट निकाला। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसकी पावर ऐसी चेंज की है मैंने और अब ये पूरी तरीके से बोल्ट बना रहा है। और क्योंकि अभी सीपीयू नहीं लगाया तो पीएस होल्ड की लाइन अभी एक्टिव नहीं होगी, तो इस पर आने वाले जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट करेंगे। तो एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ कि वोल्टेज ये हमारा सेट में लगाने लायक है या नहीं। तो देखिए, हमने इसको चार्जर से लगाया हुआ है, ठीक है, चार्जर से लगा लिया हमने क्योंकि हमारे को बूट सिक्वेंस पता होना चाहिए और बूट सिक्वेंस के हिसाब से कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं बोर्ड में। तो आप देख सकते हैं, तो अगर मैं अभी इसका वोल्टेज निकालूं, अगर मैं अभी इसका वोल्टेज निकालूं तो ये वोल्टेज आ रहा है पर फ्लक्चुएट हो रहा है। तो फिलहाल तो मैं इसका वोल्टेज आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता दोस्तों, क्योंकि कैमरा मैंने बहुत मुश्किल से सेट किया है, DSLR रिपेयर होने के है क्योंकि इसमें कार्ड का इशू आ गया था, वारंटी में था और अभी पता नहीं कैसे भी करके ये फ़ोन लगा के कर रहा हूँ। तो वोल्टेज तो बना रहा है और 2.8 पर फ्लक्चुएट कर रहा है, क्यों, क्योंकि पीएस होल्ड की लाइन फ्लक्चुएशन करती है, उसको सीपीयू से कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर ये रजिस्टर लगा हुआ है, तो आइए इस पर पहले सीपीयू लगा लेते हैं और सीपीयू लगा के फिर आपको बहुत सही तरीके से इसको वोल्टेज बताएंगे और वोल्टेज बता के इस सेट में हम एमएमसी लगाएंगे। सो ये हमारे दोनों रिबॉल है, हमें लगाना सिर्फ वन टाइम में। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका सीपीयू लगाते हैं और
तो अभी हमारा सीपीयू लगा हुआ है और अब हमारे जो वोल्टेज हैं, जितने भी जो आउटपुट वोल्टेज है वो होल्ड हो जाने चाहिए और हमारा पोर्ट बनना चाहिए, और ये दोनों बनने के बाद हम अपना MMC को लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं, अब हमने CPU लगा लिया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा पोर्ट बन गया है। ठीक है, और हमारे वोल्टेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर में, आप देखिएगा ये मल्टीमीटर में यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीन बढ़िया आई थिंक दिख जाएगा फिलहाल तो, मैंने क्योंकि थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया, पिछली बार तो नहीं देखा पाया था। तो देखिए 1.8 वोल्टेज स्टेबल है, तो इसका मतलब हमारा CPU सही तरीके से बिल्कुल फिट होके लग गया है, और PS होल्ड की जो लाइन है हमारी वो स्टेबल हो गई है। अब हम MMC को बिठा देते हैं भाई। ये देखिए, ये हमारी MMC है, हम इसको बैठा देते हैं।
हमारे। तो हमारी एजेंसी भी लग गई रुकी और सेटिंग डन हो गई है, रिटर्न मुझे नहीं है क्योंकि हमने ऐसा कॉल नहीं किया, कल तक फोन करें ठीक है। तो हमारी सेट की जो कंडीशन थी वो ये है, ये कंडीशन थी पूरा मबूल। अब देखते हैं कि कैसे खाना किसने तो दोस्तों चलो फाइनली हमारा काम हो गया है और हमने हमारा जो सीपीयू और जो एमएमसी है वो लगा दिया है और अभी मैं बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ। ये देखिए बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ और मेरी बैटरी मेरी चार्ज हो गई है 3.1, आप देख सकते हैं 3.5। तो देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है हमारे फ़ोन का। और ये मेरा फ़ोन है, आप देखिए ये हमने लगाया था, पीछे दिखा देता हूँ, ये देखिए ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं स्वैपिंग हमारा। कस्टमर से अच्छे पैसे ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे ये दिखाएगा कि यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, ये देखिए कस्टमर से पैसे ले पाएंगे। सो दोस्तों यहाँ हमारा फाइनली स्वैपिंग डन हो गया है, हमारा ग्राफिक्स और लाइट दोनों आ गया है। तो इस फ़ोन में फॉल्ट ये था कि जब शुरू में मुझे दिया गया था उन्होंने बताया था, देखिए परसेंटेज 3% उन्होंने फॉल्ट ये बताया था कि ये बोला था कि अच्छा एम्पियर भी अच्छा ले रहा है, आप एम्पियर देख सकते हो 1.6, आप देखिए एम्पियर आयो कि आपको दिख रहा होगा, कोशिश तो है दिखाने की 1.6। तो फॉल्ट ये था कि उनने मेरे को बोला था कि सर ऐसा है कि इस फ़ोन में भाई सीन ये है कि देखो अभी तो बहुत ही लो चार्ज है इसमें, तो इस फ़ोन में सीन ये है कि चार्जिंग ग्राफिक्स नहीं आ रहा था, पहले नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो किसी बंदे को दिखाया उसने तो उसका ग्राफिक्स चला गया, फिर अभी तो बहुत लो चार्ज है दोस्तों बिल्कुल, ये देखिए हाँ तो पावर की तो ऑन हो गया। तो सीन ये था कि इस बंदे ने बोला था कि सर ग्राफिक्स नहीं आ रहा था, तो किसी को दिखाया तो हीट वीट मारते हो ब्लैक पेस्टेड है तो उसका ग्राफिक्स चला गया, फिर नेटवर्क में देखिए दोस्तों अभी तो ये चार्ज ले रहा है अभी तो इसको थोड़ा चार्ज कर लेते हैं। तो सीन ये है कि फ़ोन को ग्राफिक्स में भी दिखाया तो नहीं बना और नेटवर्क में दिखवाया ग्राफिक चला गया, नेटवर्क तो बनाया नहीं और नेटवर्क में इतनी हीट कर दी है, इतनी हीट और बहुत सारे आईसी और कंपोनेंट पता नहीं हो क्या, उसके बाद में फ़ोन शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्टिंग के टाइम पे बहुत सारे कंपोनेंट भी निकाल दिए, अब वो बोर्ड बनने के बाहर हो गया है, तो वो बोर्ड बन ही नहीं सकता है क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट भी निकाल दिए और उस बोर्ड पर क्या ये मतलब पच्ची करें और क्या पैसे ले लें। तो मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि कस्टमर को डाटा ही बहुत इम्पोर्टेंट है, तो डाटा इम्पोर्टेंट के लिए सबसे बेस्ट काम ये होगा कि हम स्वैपिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है और हमारा टाइम भी बचेगा। सो ऑलमोस्ट 45 मिनट लगे होंगे और बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोई जंग तो नहीं चल रही है कि जीतना है दुनिया को 20 मिनट बहुत आराम से करना पड़ता है और ये बोर्ड होते हैं और क्यों इतनी जल्दबाजी दे के अपना काम ख़राब करें। तो 45 मिनट लिए और आराम से काम डन कर लिया है और अब अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हम कस्टमर को डाटा तो दे पाएंगे और कस्टमर को हम डाटा दे देंगे। और ये भी है कि भाई
कस्टमर को डाटा भी दे देंगे और अच्छे पैसे भी ले लेंगे। सो दोस्तों ऐसे ही अगर आपको काम करना है और आपको आगे आना है अगर एसर टेलीकॉम तो ज्वाइन करो एसर टेलीकॉम। मैं यही कहना चाहूँगा कि एसर टेलीकॉम आपको इससे भी कहीं बहुत बेहतर और बहुत अच्छा सिखाएगा। आपको जो बेस लेवल की ट्रेनिंग है वो आपकी पूरी क्लियर कर देगा और आप सोच नहीं सकते कि हम आपको क्या दे सकते हैं। दोस्तों हमारा है ना पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात आप देखिए हमारा सेकेंड लोगो भी आ गया है। हमारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात है हमें 12 घंटे की क्लासेस है, कहते नहीं है करते हैं। और फाइनली अगर तुम्हें प्रैक्टिकली देखना है ना तो फिजियम को जाओ देखो कि डेली हम कितने घंटे पढ़ा रहे हैं, 12 घंटे पढ़ाते हैं। दूसरी बात हमारा पढ़ाने का भी 12 घंटे है तो देखिए अभी चार्ज हो रहा है जैसे मैंने बोला था। देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो गया है और बहुत अच्छी बात है डाटा बच गया है कस्टमर का। तो मैं कैसे कह रहा हूँ कि हमारा पढ़ाने का जो टाइमिंग है सबसे ज़्यादा है 30 दिन है। हम 15-20 दिन नहीं पढ़ाते, बहुत से लोग 15-20 दिन पढ़ाते हैं, 20 दिन पढ़ाते हैं ऐसे 15 दिन रखते हैं उसके बाद में भेज देते हैं। हो सकता है ये आपसे बोलते हो कि भाई अब जैसा है आपकी मर्जी, जाना है रुको, नहीं रुकना है रुको, मतलब कंसेप्ट उनको उनका बुलाने का 20-25 दिन होता है पर वो अपना 10-15 दिन में ही ऐसा दिखाते हैं कि कोर्स पूरा हो गया है अब भाई आप देख लो। ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ पूरा एक एक दिन का शेड्यूल है और हम बिल्कुल आपको भेजेंगे नहीं और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बड़े से डेली को मानना पड़ेगा। आप ये ईमानदारी से रखो कि 18 दिन का तो हमारा सिर्फ हार्डवेयर है, सिर्फ 18 दिन का हार्डवेयर है। तो आप सोचो कितने क्रीम लेवल से सीख के जाओगे आप हार्डवेयर। क्यों आप इतनी जल्दबाजी के कोर्स के चक्कर में कि 10 दिन में ही आप सीख लो और अपना पूरा पैसा 30-40 हज़ार रुपये डुबा दो, क्यों आप ये सोचते हो कि और एक ऐसे जूनियर या फिर इस तरीके से जो अनएक्सपीरियंस है या फिर जो अभी मार्केट में नया नया आया उसके पास जाके अपना भाग्य क्यों आजमाना चाह रहे हो। एक एसर टेलीकॉम आओ और अपने भाग्य को सॉलिड चांद सितारे लगाओ। देखो दोस्तों 4 दिन में सीपीयू लगवाऊंगा, 3 दिन में पावर लगवाऊंगा गारंटी के साथ। समझ में आ रहा है? उसके साथ अगर आपको मेरी बुक परचेस करनी है तो मेरी बुक परचेस कीजिए। अभी वेबसाइट में आपको मैं नीचे दे दी है, आप आप एसर टेलीकॉम भी कह सकते हैं, आप एसर टेलीकॉम गूगल में लिख सकते हैं, गूगल में लिख के आप इसको बुक को परचेस कर सकते हैं। और इसको बुक को परचेस करने के बाद आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे, ये है कि आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, बहुत अच्छी लाइनों की जानकारी और ये सारी चीज़ मैं आपको दे दूंगा। और आप देख सकते हैं बोर्ड वही है, देखिए नहीं तो आप वो लिखे बोर्ड बदल गया। और बदल के करेंगे भी क्या दोस्तों, एक वीडियो बना के करेंगे भी क्या, अंदर आत्मा मानेगी कि नहीं मानेगी एक बार बताइए। और मुझे क्या करना है दोस्तों, मैंने ये कौन सा पहली बार कर रहा हूँ, मेरे कौन से चैनल पे पहली बार आ रहा है। 2000 के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जाके वीडियो लिस्ट में देखिए। और ये मेरे हिसाब से इतनी बार स्वैपिंग कर चुका हूँ और यही वाले बोर्ड को तो मैं 2-3 बार स्वैप कर चुका हूँ, बट क्योंकि वीडियो है और कंटेंट है कि आओ स्वैपिंग सीखें तो चलो सिखाते हैं स्वैपिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा।